हाय गाइस, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं अपने बारे में. यार मैंने 3 to 4 months बैक मुंबई शिफ्ट किया था एंड तब से मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर रही हूँ जहाँ आई डिसाइड कि मुझे कहाँ स्पेंड करना है, कितना स्पेंड करना है और क्या खरीदना है. सो इस वीडियो में बेसिकली अपने मंथली एक्सपेंस के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ. हाउ मच डू आई स्पेंड इन अ मंथ. एंड आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे ताकि कभी आप जॉब के लिए बाहर शिफ्ट कर रहे हो तो आपको एक आइडिया लग रहा हो कि यार मैं इतना पैसा स्पेंड करूंगा या करूंगी यहाँ पे. सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, इस वीडियो में मैं कहीं भी ये नहीं बता रही कि मैं कितना कमाती हूँ एक महीने में, बट सिर्फ ये बता रही कि मैं कितना स्पेंड करती हूँ एक महीने में. तो ये मसाला हमें नहीं मिल रहा होगा आगे, ये मैं पहले आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउस रेंट. यार ये चीज जो हम बात करने वाले हैं, जो मैं आपको एग्जैक्ट डेटा देने वाली हूँ अपना कि मैं कितना स्पेंड करती हूँ, ये वैरी कर सकता है आपका प्लेस टू प्लेस. मैं जो आपको डिटेल दूंगी वो मुंबई के स्पेसिफिक दूंगी, बट ऑन द सेम टाइम मैं पहले दिल्ली में भी रह चुकी हूँ एंड मैंने वहाँ पे फिगर आउट किया कि यार जो दिल्ली का रेंट होता है ना, मतलब घर का, एंड जो मुंबई का रेंट होता है, लाइक मुंबई का रेंट इज ग्रेटर देन दिल्ली का रेंट. इतना ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मैं दिल्ली पे रहती थी और यहाँ पे मुझे उसका डबल प्राइस पड़ रहा है. सो अब ज्यादा है तो क्या बताऊँ. चलो मैं पहले स्पेसिफिक्स बता देती हूँ. यार मैं होम रेंट 9,000 रुपीज दे रही होती हूँ. दिस इज फॉर, मैं नॉर्थ ईस्टर्न मुंबई में रहती हूँ. अगर आप साउथ मुंबई में जाओगे तो वहाँ पे आपका ये जो होम रेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, 9,000 हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. एंड देन मूविंग ऑन नेक्स्ट इज ग्रोसरीज की बात कर लेते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज पे मैं कितना स्पेंड कर रही होती हूँ. सो एक राउंड फिगर बताऊं यार, तो ऑलमोस्ट 1,000 मैं वीकली खर्च कर रही होती हूँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरीज पे. एंड दिस इज समथिंग कि किसी मंथ आपका 500, किसी वीक आपका 700 ही खर्च हो रहा है, किसी मंथ आपका 1,000 या 1,200 भी खर्च हो रहा है. सो यहाँ पे एक राउंड ऑफ करने के लिए मैंने 1,000 रख लिया. एंड इफ यू डू द कैलकुलेशन तो मंथली आपका वो 1,000 × 4, 4,000 हो रहा होता है. तो अभी तक हमने 9,000 रेंट का दिया एंड 4,000 फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरीज का दिया. दैट्स मेक टू टोटल ऑफ 13,000. अब यार आगे बढ़ने से पहले आई थॉट ऑफ क्यों ना मैं आपको अपने होम का टूर दिखा दूं, लाइक हाउस टूर काइंड ऑफ स्टफ. जब मैंने इतनी बात की एंड एक चीज ये, मैं खुद यार रेंट पे रह रही हूँ एंड आई विल शो यू लाइक कितना छोटू सा रूम है एंड फॉर दैट यू पे लाइक दिस ह्यूज अमाउंट. ये मैं आपको एक अपने फ्लैट, छोटू फ्लैट का दर्शन दे रही हूँ. सो दिस इज वन रूम जो मेरा नहीं है. हेयर यू गो, ये है हमारा किचन, छोटू सा, बढ़िया सा, नीट एंड क्लीन. ये रूम मेरा नहीं है, दिस इज द वॉशरूम वी हैव. And then this is my room. ये छोटे से रूम में ये मेरा बेड है, ये मेरी फ्रेंड का बेड है. सो 9,000 में आपको सिर्फ एक बेड मिलता है यहाँ पे. एंड देन आपको ये मस्त बालकनी व्यू मिल रहा होता है जो कि बहुत ही मस्त है. यू कैन सी हम 8th फ्लोर पे रहते हैं. एंड देन दिस इज द होल व्यू विच यू हैव. सो या एक बार मैं और दिखा देती हूँ आपको, दिस इज द एग्जैक्ट थिंग विच वी हैव. सो द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन. अब यार यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है. आई रिमेंबर जब मैं पहले ट्रैवल किया करती थी अपनी सिटीज में, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि मैं बोलती थी कि अब यार मुझे स्मॉल पे जाना है, कितने पैसे लोगे. एंड देन ही यूज टू कोट कि 50 लूंगा, 100 लूंगा. एंड ऐसे आप उससे डिस्कस कर रहे होते थे, बैठ रहे थे और पहुंच जा रहे होते थे. यहाँ क्या होता है, आप मैंने मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक भैया से बोला भैया मुझे स्मॉल जाना है, कितने पैसे लोगे. एंड देन हिज रिएक्शन वॉज कितने क्या, जितना मीटर बोलेगा उतने पैसे लूंगा. एंड देन आई रियलाइज की शिट यहाँ पे तो मीटर से चल रहे होते हैं, जो कॉन्सेप्ट मुझे पहले नहीं पता था. अब यार मीटर से चलने में कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली वो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट चीज रहती है. बट वहाँ पे यार एक इशू ये आती है ना कि जो मुंबई के रहने वाले हैं, जिनको सारा रास्ता पता है, उनके लिए तो सही है कि मतलब हाँ मीटर से जा रहे हैं, दे रहे हैं, हो गया काम. हमारे जैसे लोग जिनको नहीं पता है, उनको कई बार ऑटो वाले मतलब घुमा घुमा के जो 100 रुपए लगने चाहिए था वो 200 रुपए कर देते हैं. ट्रांसपोर्टेशन के अराउंड इतनी कहानी बता दी कि एक्चुअली ये डेटा तो देने भूल ही गई कि मतलब मैं कितना स्पेंड कर रही होती हूँ. तो यार अभी जो मैं आपको काउंट कराऊंगी वो मेरा ऐसा है कि मैं वीकली 1 से 2 दिन ट्रैवल कर रही होती हूँ अकॉर्डिंग टू माई वर्क. एंड ऑल्सो इट्स लाइक कि मैं काउंट कर रही हूँ कि मुझे 500 आने में लग रहा है, 500 जाने में लग रहा है, बेस्ड अपॉन दैट. सो ये भी थोड़ा सा देखो वेरिएबल है. अगर आप मुंबई में रह रहे हो या ऐसे सिटी में रह रहे हो जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है और काफी दूर दूर तक पूरा शहर है, तो मेक श्योर कि आपकी जहाँ ऑफिस है आप उसके पास रहो, ताकि आपका वो टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा जो आप ट्रांसपोर्टेशन में उड़ाओगे. सो राइट नाउ बेस्ड अपॉन माई नीड एंड जितना मैं इवेलुएट कर पाई हूँ उसके हिसाब से मैं 5,000 ले रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए. बट डेफिनेटली अगर मैं डेली आने जाने लगूँ अपने काम के लिए तो वो काफी ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है. सो ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ 5,000 ऐड कर रहे होंगे. ओके देन लास्ट नहीं, मतलब ऑब्वियसली लास्ट कैसे हो सकते हैं, बट ठीक है चलो. मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज कि जब आप बाहर रह रहे होते हो ना तो एक डिफरेंस होता है. मतलब आप जब घर पे रहते हो तो क्या होता है, पापा सब्जियां ला रहे हैं, मम्मी बना रही है, आपका काम है सिर्फ खाना.
पर जब आप बाहर रहते हो तो यार आपको लाना भी है, आपको बनाना भी है, आपको खाना भी है। तो इस चक्कर में क्या होता है, कई बार हम बहुत आलस कर देते हैं कि शिट यार बनाने का मन नहीं कर रहा, छोड़ो ना, मतलब ओब्वियसली यार हमेशा बनाने का मन नहीं करता, ये रियलिटी है। तो इसमें जो हमारा सेवियर बन रहे होते हैं वो है हमारे स्विगी एंड जोमैटो। तो ज्यादातर टाइम ऐसा हो जाता है मेरा मन नहीं होता खाना बनाने का, नाम लाइक कि स्विगी करते हैं ना, जोमैटो करते हैं ना। तेरे पास कोई और रास्ता है? तो यार इस एक्सपेंस को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, वेरी श्योर फॉर दैट। अच्छा, एक्सपेंस बताने से पहले एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं वो बताती हूँ। एक्चुअली मैंने क्या कर रखा है कि मेरे को खाना बनाने में बहुत आलस आती है, तो बेस्ड अपॉन कि मेरे को कितना डिफिकल्ट खाना बनाना है उसमें मैंने एक लेवल बना रखा है कि देयर इज सम लेवल 0 फूड, लेवल 1, लेवल 2, समथिंग लाइक दैट, कि मेरे को कितना काम करना, मतलब ऑब्वियसली कितना मन है बनाने का उस हिसाब से मेरा खाने डिवाइडेड है। तो लेवल 0 फूड जो हमारा आता है दैट इज खिचड़ी, क्योंकि उसको बनाने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होती है, जाओ और झट से वो बन जाता है। सिमिलरली जो लेवल 1 फूड है दैट इज तहरी, उसमें क्या है मतलब वो भी जल्दी से ही बन जाता है, लाइक चावल डालो और थोड़े सब्जी डालो एंड दैट इज डन। एंड देन लेवल 2 में मैंने थोड़ा सा मेहनत के लिए पूरी सब्जी रख ली, लाइक पूरी और आलू की सब्जी, जो भी बहुत आराम से बन जाता है। सो यार ये थोड़ा सा लेवल लेवल कर रखा है कि अब ऐसा होता है जब ये लेवल्स भी हमने एक्सप्लॉइट कर दिया, सपोज सुबह दोपहर शाम करिए, तो फिर वी हैव नो ऑप्शन लेफ्ट एंड हमें स्विगी जोमैटो करना पड़ता है। सो स्विगी जोमैटो का यार मैं अगर आपको बोलूँ तो आल से कि 3 to 4,000 अराउंड आप मंथली, मैं तो मंथली स्पेंड कर रही होती हूँ, लाइक ऑर्डर इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। ऑब्वियसली इसको रिड्यूस करना है क्योंकि बाहर का खाना अनहेल्दी होता है, अभी लॉकडाउन में इतना ज़्यादा बाहर का खाना भी ऐसा मतलब फ्रेश नहीं होता है, सो वी शुड कट ऑन दैट, बट ठीक है कट मतलब स्पेंड मेरा हो रहा है अभी तो। अच्छा, अभी नेक्स्ट एक्सपेंसेस जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ नॉट लाइक आप मंथली स्पेंड कर रहे होगे, बट डेफिनेटली आपको ये पैसा अलग रखना पड़ता है क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑन योर हेल्थ। लाइक मंथली तो आप हेल्प नहीं स्पेंड करें कि आपको हर महीने कुछ दवा लेना है या कुछ भी करना है, बट यू नेवर नो कब आपको कुछ इमरजेंसी आ जाए और आपको स्पेंड करना पड़े। लाइक आई ट्रूली रिमेंबर वन ऑफ द मंथ जहाँ पे मैंने हेल्थ पे अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया था, एंड दिस इज समथिंग आई विल से कि यार आप अपना हेल्थ वाला जो मतलब जो भी बफर है, जो भी आपका पैसा है उसको अलग रखो, बिकॉज यू नेवर नो आपको कब वो पैसा खर्च करना पड़े। अब नॉट स्पेसिफिक टू मुंबई, बट सिंस आई एम लाइक घर पे सबसे बड़ा बच्चा, तो एक सीधा मतलब आइडियल नहीं कहूंगी, बट डेफिनेटली यार आप जब कमा रहे हो तो आप ऐसे रहते ना, मम्मी पापा पे खर्च करो, चाचा चाची दादा दादी पे खर्च करो। सो सिमिलर आई ऑल्सो स्पेंड ऑन देम, इट्स नॉट लाइक मंथली, बट डेफिनेटली जब भी करती हूँ तो इट्स नॉट एट ऑल अबाउट कितना कर रही हूँ, दिल खोल के जितना मन करो उतना खर्च करना ऐसा। तो इसको भी मैं मंथली नहीं काउंट करी, बट यार दिस इज समथिंग यू डू लाइक ऑलवेज। अब जब आपको ये आप टोटल कर रहे होगे तो टोटल करने के बाद आपका ये अमाउंट आता है जो कि अराउंड, मैं एक राउंड फिगर ले लेती हूँ 25,000, मतलब आप एक राउंड फिगर ले लो 25,000 के अराउंड आप खर्च कर रहे हो मंथली। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज व्हाट माय नीड इज, नॉट माय वांट। आई हैव नॉट एडेड एट ऑल कि यहाँ पे मेरे वांट्स क्या है। लाइक हो सकता है किसी मंथ मुझे बाहर से कपड़े खरीदने हैं, मुझे फोन खरीदना है, मुझे कोई और चीज खरीदनी है, लाइक रूम के लिए डेकोरेटिव आइटम, चश्मा और वॉट एवर। सो दैट इज एडिशनल जो आप इसमें ऐड कर रहे होते हो। सो अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है ओके मैं बाहर जाऊंगा मैं 25,000 दूंगा एंड मैं आराम से रहूंगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन 25,000 डेफिनेटली नीड्स पे आप आराम से मंथ मंथ दे रहोगे, बट कुछ मंथ ऐसा आएगा जहाँ पे आपको कुछ खरीदना होगा, कुछ मंथ ऐसा आएगा जहाँ पे आपका कुछ और खरीदना होगा, तो वो पैसा एक अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आप अपने वांट्स में कितना पैसा मंथली खर्च करोगे। सो यार दिस वॉज माई ऑनेस्ट वीडियो, आई टॉक लाइक ऑनेस्टली अबाउट व्हाट एवर आई स्पेंड ऑन। एंड देन अगर आपको कोई ऐसी और वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।